आज जी तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कहाँ हाल चाल है भाई लोगों का? तो ऐसी बात ऐसी हो रही है कि आज मेरी ड्यूटी लगी है ट्रेड फेयर में, तो ये भैरव पार्किंग है इंद्रप्रस्थ की। तो देखते हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग दिखता है ट्रेड फेयर में तो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड फेयर है। लोग कहते हैं तीन तीन चार चार दिन लग जाते हैं इसे कवर करने में। तो पार्किंग देख के लगा सकते हो, पार्किंग भाई साहब 5 मिनट तो हो गए चलते चलते मेरे को। और यहाँ पार्किंग भी ना घंटे के हिसाब से नहीं होती, यहाँ पूरा दिन का ही ले लेते हैं, 120 रुपये ले लिए। तो मैं सोच रहा था भैरव बाबा पार्किंग क्यों रखा इसका नाम? इसकी वजह से, इधर पार्किंग है इसकी वजह से रखा गया है, श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी पांडवों कालीन मंदिर। तो पार्किंग काफ़ी दूर बनाई है इन लोगों ने, मतलब ना एक ऑटो किया जा सकता है 15 रुपये। वो बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, यहीं से एंट्री है, ये पूरा आर पार है, एंट्री का 4-5 गेट हैं इसमें एंट्री के। ये है भाई साहब एंट्री, और जगह जगह गेट नंबर लिखे हैं। तो 4 नंबर जो गेट दिख रहा है ना सामने पड़ा था, इसमें से है अपनी एंट्री। किसी कॉलेज का ग्रुप आया था, बड़ी मस्ती वहाँ चौकड़ी मचा रखी करती। फाइनली पहुँच गए हम, उनका ये बिल्ला है ना इसकी वजह से एंट्री मिल गई भाई साहब फटाक से, नहीं तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही है। तो वहाँ से एंट्री हुई है, और ये देखो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, भीड़ भड़का ठीक ठाक है, अच्छा खासा भीड़ भयंकर है। बिल्ले ने कम से कम भी नहीं मानो तो 20 मिनट बचा दिए भाई साहब, इतनी भीड़ है। फट 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 जहाँ गली खाली दिखी वहाँ होकर निकलते हुए बिल्ला दिखाते हुए हम निकल के आ चुके हैं। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि कहाँ कहाँ क्या क्या एग्जीबिशंस है। हमारा हॉल नंबर 5 में है, स्टॉल लगा हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट का, तो वहीं जाना है मेरे को। तो ताकि ना घूमने में आसानी रहेगी बाद में। यहाँ पर हमारी एंट्री और यहीं पर हमारा सब कुछ, बाकी बहुत लंबा चौड़ा है, दिखाएंगे दिन में देखते हैं किधर लगा हुआ है। क्या बात है, चंदे फटे भाई साहब। डॉक्टर साहब क्या खिलाओगे आज? आज हम बिहार के लिक्का, कौन सी होती है लिट्टा चिक्की? लिट्टा चिक्की नहीं यार, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा जबान ऐसी लड़खड़ाई ना लिट्टी चोखा पे फिसल गए हम। हाँ यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो, तरह तरह के आइटम है ना। ये कौन है भाई? हुनर हाट। अच्छा इतने प्रो कलाकार भी आते हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए? हाँ, प्रोग्राम। ओहो राज्यों के व्यंजन, मैं तो आंध्रा का ही सोचूं। ओहो राज्यों के व्यंजन, मध्य प्रदेश राजस्थान। ओ भाई साहब सोच रहे हैं लोग, तो धूम मजा रखी लोगों ने। झारखंड अंदर चलते हैं, तो इसमें दिखाएंगे सारे स्टेट की कलाकारी। एंट्री पॉइंट इतना सुंदर है, क्या बात है भाई, बस ये अच्छा जुगाड़ है यार, मैट है ये तो, फाइबर का है इधर मसाले दिल को ललचाने वाला। भारत क्या कर रही है यहाँ पर केरला में? साड़ियाँ ले लो भाई, फ्लाई बोर्ड का ही बना रखा है। उत्तराखंड में प्रेस कर गए हम लोग, ये डेलाइट्स आ गए हम लोग। माय डेली माय प्राइस केजरीवाल के दर्शन होने वाले हैं बस ये। अरे पूरी दिल्ली यहीं से देख लो, ये स्मोक टावर सीपी वाला स्मोक टावर। अच्छा ये चांदनी चौक, ये अच्छा बना है। तो भाई सब पूरा डेवलपमेंट दिखा रखा है। ये बोतल से क्या वे? अच्छा रॉक गार्डन उसके वो प्रदेश। अरे इसका तो मैं एक दिन वीडियो देख रहा था यार, ये इसको बनाना बहुत आसान है पता है, ऐसे ऐसे खिसकाते जाओ और ये फट से बन जाता है। क्या है सूर्य कुमार, जम्मू कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो भाई साहब, हुक्का है कि क्या है? आप लोग राजस्थान, एक नज़र में दिखाऊंगा राजस्थान को। हरियाणा वालों ने केवल फ्लेक्सी लगाई है, कुछ नहीं लगाया आइटम आइटम पूरी, केवल पोस्टर। वेस्ट बंगाल,
ये अच्छा है, ये तो किसान लग रहे हैं ना। हाँ ऐसा ही है, पश्चिम बंगाल से निकलते हुए गुजरात में तो लग ही रहा है भैया, अभी दुकानें दुकानें हैं, बिजनेस लग रहा है, कॉर्पोरेट लग रहा है दुकान। और फाइनली जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे वहाँ आ गए हम। कौन है ये तो? इलेक्ट्रिक वाली है क्या? नहीं इलेक्ट्रिक ही तो है। बॉय बॉय नेक्स्ट फोन लेंगे, थोड़ी सी रेंज अगर बढ़ जाती ना इसकी तो मैं पक्का ले लेता आज ही इसको। 400 के आसपास रेंज होती तो कल ही बुक कर देता मैं, लेकिन ठीक है मस्त लगती है देखने में पास। पर इधर आ गई है नई सिलेरियो, एक्सक्लूसिव एडिशन में से क्या है, अभी तो एक्सक्लूसिव एडिशन ही है। सही है, हाँ आ जाओ सब गाड़ियों में एक किसी फीलिंग आती है वैसे तो। इस तरह के एसी वैन है उसमें देखने को मिलते थे चूड में। हाँ जी आपको देखना है, नॉर्मल IRBM है इधर है, शीशा लाइट भी है। ले रहे हो क्या भाई साहब बताओ? तुम्हें ले लो हमने तो ले रखी है एक और ले लो। ये भाई साहब महंगाई के जमाने में एक चला ले वही बहुत है। पीछे का कैसा है मामला? पीछे का मामला भी ठीक है यार, भाई साहब लेग रूम तो जबरदस्त है इसमें यार, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा लेग रूम है ये, थोड़े से आपको ऐसा होके बैठना पड़ेगा तब जाके ये गर्दन को फिट होता है, स्ट्रेट बैठोगे तो पीठ में चुपते हैं ये। छोटी सी पार्सल ट्रे है पीछे, सही है लेकिन गाड़ी एक नंबर है। ओके बूट और वायर, बढ़िया बूट है, 300 कुछ लीटर का है इसका बूट स्पोर्ट। वैसे ये वाह ओपन थिएटर, वो मुझे लग रहा है प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं शाम को। हाँ ओपन वाले पूरा लकड़ियों में कितना बढ़िया यूटिलाइजेशन किया है भाई साहब। चाय पीने आए हम, इसलिए कैमरा नहीं उठाया कि ये दिखाना था मेरे को कि चाय पी रहा हूँ मैं, इसलिए दिखा रहा हूँ कि लूट कैसी मची। 50 रुपये की चाय, भाई को मैंने 20 रुपये का नोट दिया पहले, भाई ने कहा 50 रुपये। हाँ तो हालत इतनी ख़राब है ना यहाँ महंगाई की कि अगर आपको चाय पीनी है तो 50 रुपये, नाश्ता करना है तो 250 रुपये, खाना खाना है तो 500 रुपये कम से कम लगेंगे। और आलम ये है ना भाई साहब बिकने का, लोगों की पच्चियाँ पड़ रही है, हमारे देसी भाषा में पच्चियाँ पड़ रही है लोगों की। यहाँ मिल रही है आंटी इसमें अंदर, लेकिन बहुत महंगी है, फाल लूट रहे हैं, 50 रुपये की चाय दे रहे हैं। हाँ मत पियो, मैं तो मैं लेके पछता रहा हूँ 50 रुपये की, मैंने 20 का नोट दिया, मैंने कहा 10 और ले ले 50 चाहिए। हाँ तो मैं कह रहा था ना कि पच्चियाँ पड़ रही है भाई साहब, अब उसके हाथ से गड्डी छिटक गई है तो कम से कम उसको ना 2-3 मिनट तो गड्डी को समेटने में लगा, इतने नोट इकट्ठे हो गए उसके पास। भीड़ तो भाई साहब कयामत की भीड़ है। और ना आंटी को तो मैंने डरा ही दिया पैसे बता के वापस रिटर्न हो गई, उन्होंने चाय नहीं ली बेचारी ने। तो मैंने सोचा था मन का खाना भी खा लेंगे थोड़ा बहुत, और तो मेरी तो आत्मा ही मर गई भाई साहब। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर का, तो यहाँ भीड़ भड़क का नहीं है, देखो कैसी गरीबी छाई हुई। लास्ट वाला ये पूरा एरिया ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पूरी तरह से गरीबी छाई हुई है। हमारे स्टॉल पर फिर भी 2-4 लोग हैं। डॉक्टर साहब चाय कितनी रुपये की पी आपने आज तक? 100 रुपये पी ली। 100 रुपये की? फिर तो बहुत अमीर हो आप। क्या हुआ भाई साहब? मैंने 20 का नोट दिया, उसने कहा 50, मेरे तो टेक ही आया होता। हाँ जी भाई साहब हो गई ड्यूटी पूरी, अब निकलते हैं, अपन ने तो ज़्यादा घूमा नहीं, 2-4 वो बस ऊपर राज्यों वाला जो देखा था वही देखा, उसके अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि अगर अभी नहीं निकले 4:30 बज गया है तो फिर वही जाम की बसड़ हो जाएगी, इसलिए निकल गए हम तो। बाय द वे जो स्ट्रक्चर्स बनाई ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, ये वाला था हमारा हॉल, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है यार, बनी रहा अभी तो इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है भयंकर वाला। रास्ते का जो जाम है वो तो है ही सही, लोग बोल रहे थे कि जल्दी ना निकले ना तो पार्किंग से गाड़ी निकालना भाई सब भारी पड़ जाता है। यहाँ एंट्री गेट में बिल्कुल सन्नाटा पसड़ गया है, सारी भीड़ एग्जिट गेट से आई है, यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ से यूटर्न मार के फिर वहाँ पार्किंग आना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है। पहुँच गए पार्किंग में, पर्चियों की संख्या देख के ना आइडिया लगा सकते हो भीड़ का। देख रहे हो मेला, जहाँ तक देखोगे ना नज़र जाएगी, वो तो मोबाइल से देख नहीं रहा ढंग से,
वहाँ तक मेला ही मेला है। ओ भाई साहब वो क्या बला है देखो बादल बन गया धुएं का वहाँ। चलो तो ये जो इलाका है ना ये बिल्कुल यमुना के किनारे किनारे जो हाईवे चलता है ये यमुना देख सकते हो आप मैप में। तो यहाँ बगल में यमुना है इधर 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 हाँ तो उसके किनारे किनारे जाता है। वैसे मैं इस पे कभी नहीं आया हूँ आज तक। तो आज ये मेले की वजह से यहाँ होके रूट दिखाया गूगल ने तो अपनी इधर होके चल दिया क्योंकि ऑफिस हो गया अगर भाई सब जाते ना तो लग गया था फिर तो 8 बजनी थी तो अभी भी 6:30 बजे पहुँच जाएंगे अपन। हाँ जी तो ये तो बता दो कैसा लगा भाई साहब ये जो क्या था ये ट्रेड फेयर। हाँ इसका पूरा नाम है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगता है ये। तो कैसा लगा इसका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताओ थोड़ा सा नीचे कि कुछ नया देखने को मिला कि नहीं मिला जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो मैंने कभी नहीं देखी। वो जो देख रहे हो ना वो है सिग्नेचर ब्रिज।